कि मुल्क का तकरीबन 80% तंबाकू खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने तंबाकू से मुतालिक मामलात को अपने पास रखा और इसकी आमदन सूबे के बजाय वफाक को जा रही है, जो कि सूबे का हक है। इसी पैदावार से आमदन बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत टोबैको डेवलपमेंट सेस में इजाफा करने की तजवीज़ पेश कर रही है। तंबाकू पर प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी लगाने का बिल जल्द ही असेंबली के मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये टैक्स किसानों के बजाय टोबैको कंपनीज पर लागू होगा। जायदाद की मुंतकली पर आयद बारी वफाकी टैक्स की वजह से लोग जायदाद की मुंतकली के लिए मुकरर करदा तरीक़ेकार अपनाने के बजाय स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं, जिससे सूबाई हुकूमत की महसूलात में खासी कमी वाकिया हुई है। इस जमन में सूबाई हुकूमत ने जायदाद की मुंतकली पर आयद सूबाई टैक्स की वसूली का दायरेकार और हजम बढ़ाने की गर्ज से इस बजट में सूबाई टैक्सेस को 6.5% से कम करके 3.5% करने की तजवीज़ पेश की है। जिसके नतीजे में आवाम को जायदाद की मुंतकली पर ना सिर्फ 3% टैक्स रिलीफ मिलेगा, बल्कि स्टाम्प पेपर्स पर खरीद व फरोख के नतीजे में पेश आने वाले कानूनी मुश्किलात से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दीगर महकमजात जैसे मादिनियात, सियाहत, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, खुराक, सनत व तजारत, मेहनत, मौसमियाती तब्दीली, जंगलात व जंगली हयात और महकमे ज़रात वगैरह में भी महसूलात को बढ़ाने के लिए इकदामात इस बजट में शामिल हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ एवान को सालाना बजट बराए माली साल 2024-25 के एदाद व शुमार से आगाह करता हूँ। वफाकी महसूलात, वफाकी टैक्स महसूलात 902 अरब 51 करोड़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए काबिल तकसीम महासिल का 1% 108 अरब 44 करोड़। तेल और गैस की रॉयल्टीज़ और सरचार्ज की मद में बराए रास्त मुंतकली 42 अरब 96 करोड़। विंडफॉल लिवी ऑन आयल 46 अरब 83 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफी की मद में महसूलात यानी मौजूदा साल के लिए 33 अरब 10 करोड़। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में महसूलात 78 अरब 21 करोड़। कुल मिजानिया 1212 अरब 4 करोड़। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज्ज़ज़ एवान को सूबाई महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। टैक्स महसूलात 63 अरब 19 करोड़ रुपए, नॉन टैक्स महसूलात 30 अरब 31 करोड़ रुपए, कुल मिजानिया 93 अरब 50 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज्ज़ज़ एवान को दीगर महसूलात के बारे में आगाह करता हूँ। कैपिटल महसूलात 25 करोड़ रुपए, दीगर वसायल व ज़राए 31 अरब 30 करोड़ रुपए, कुल मिजान बनता है जी 31 अरब 55 करोड़ रुपए। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज्ज़ज़ एवान की तवज्जो ज़म्मशुदा अज़ला की मद में वफाक से मिलने वाले महसूलात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अखराजात जारिया ग्रांट 72 अरब 60 करोड़ रुपए, अखराजात जारिया के लिए इजाफी ग्रांट 55 अरब 3 करोड़ रुपए, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 36 अरब रुपए, 73 अमल दरामद प्रोग्राम यानी AIPs 40 अरब रुपए, दीगर सूबों से 3% शेयर 39 अरब 29 करोड़ रुपए, आर्जी तौर पर बेघर अफराद के लिए 17 अरब रुपए,
कुल मिजानिया बनता है 259 अरब 92 करोड़ रुपए।